हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि दी मैम, आप हमेशा बस लव रीडिंग्स करते हैं, कभी करियर के लिए भी कुछ कर दीजिए। तो चलिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की बातें भाई मेरे, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आपकी बातें सर आंखों पर, तो भाई सर आंखों पर है तो अब पूरी तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके का करियर में आपका मसला चल रहा है, और अगर कोई मसला चल रहा है तो उसका हल क्या है, और आपका जो फ्यूचर है करियर के अंदर किस तरीके का होने वाला है, किस तरीके की आप सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, करियर को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द मैजिशियन। आई जस्ट लव दीज पेंटिंग्स, राइट जस्सी। एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 2। एंड देन वी हैव पाइल नंबर 3, द वर्ल्ड। तो आप कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए डियर, और ये कार्ड्स भी मैंने शफल करके निकाले, ठीक है, यूनिवर्स की, यूनिवर्स बुआ की, एंजल्स की, पिताजी की परमिशन से, कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या होना चाहिए, 2 के लिए क्या होना चाहिए, 3 के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए, और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे से जाकर के अपनी टाइम स्टैम्प्स पे पहुंच के रीडिंग्स को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि मैजिशियन से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने ये मैजिशियन का कार्ड चूज किया है ना, तो देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आती है, कि आप जो हैं किस तरीके के करियर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, करियर के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ आज हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो शफल मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है कि मैं आप लोगों के सामने शफलिंग करूँ, तो भाई चलिए कर ही देते हैं आपके सामने शफलिंग। ओके, मैं इस कार्ड को ना थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ, मैजिशियन का कार्ड पाइल नंबर 1, ठीक है, ताकि आपको सारे कार्ड दिखें और ये मामला पैदा ना हो कि भाई हमें पता नहीं लगा। चलिए, ओके, वन मोर कार्ड, देन है हमारे पास, ओके, सो वेट कर रहे हैं आप किसी चीज का, है ना। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन कार्ड, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, मैं कार्ड को यहां रख देती हूँ। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आई कार्ड्स को शफल करने के बाद इस पाइल नंबर 1 के लिए, वो मुझे ये आई कि आप लोग जो है ना काफी अरसे से, मतलब किसी चीज का ना इंतजार कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि किस तरीके से इस चीज को हासिल किया जाए, किस तरीके से जो आपका करियर है, ठीक है, कोई भी करियर आपका हो सकता है, अभी मैं बताऊंगी आपको करियर कौन सा है, ठीक है। तो ये रेजोनेट करे आपसे पाइल तो आप इस चीज को लीजिएगा, नहीं करे तो इट्स ओके, आप दूसरी वाली पाइल चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वो भी ना करे तो कोई बात नहीं, मैं कलेक्टिव रीडिंग भी करूंगी करियर को लेकर के, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे मसला ये है कि काफी समय से आप एक ऑप्शन का, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको वो मिल नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 के जो कि मार्केटिंग और बिजनेस वगैरह को संभालते हैं, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड, ओके। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो कि किसी तरीके का ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब घर बैठ के जो बिजनेस होते हैं ना, जैसे कि रेस्टोरेंट वाले बिजनेस, कैफे वाले बिजनेस होते हैं, या फिर घर बैठ के, और बहुत सारे होते हैं जैसे कि आपको पता ही है ना, टिफिन सेंटर्स एंड ऑल जैसे काम होते हैं ना, घर बैठ के जो काम होते हैं, वो आप करने की काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो पर हो नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इंतजार कर रहे हो उस सुनहरी रोशनी का, कि वो रोशनी आपकी लाइफ में कब पड़े और कैसे आप उसको ग्रैब कर लो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मुझे स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी काफी समय से अपने रिजल्ट का और इस चीजों का वेट करें। आपको पता है ये पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो रिजल्ट्स, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना डियर, कि काफी स्टूडेंट्स भी इस फाइल को देख रहे हैं, और वो अपने रिजल्ट को लेकर के, अपनी जितनी भी तैयारियां हैं, जितने भी इंतजाम हैं, उन सभी चीजों को लेकर के ना काफी परेशान है यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ओके।
फिर है हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस ऑफ कप्स की। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है आपका करियर सवर जाए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, नाइट ऑफ पेनिकल्स एक बहुत ही ज्यादा स्लो एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, वो चीज आ नहीं रही है और इसी वजह से ना आप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेट का कार्ड है, ये पर्सन किस तरीके से वेट कर रहा है और यहाँ पे देखो ये कितने सारे लोग हैं इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना आपको ताना जो है ना देने वाले काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। फिर हमारे पास सन का कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। तो किसी भी चीज का अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो वो चीज आपको मिलने वाली है अपने करियर के अंदर, आप टेंशन नहीं लेना है। इस कार्ड को भी मैं यहां रखूंगी और इस कार्ड को यहां और यहां, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो काफी समय से वेट करें किसी चीज का, धीरे धीरे वो चीज आ रही है आपके पास में। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है नेगेटिव हो जाते हैं, क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रही है दी, बस बैठे हैं घर पे बोर हो रहे हैं, नहीं डियर ऐसा नहीं है। ठीक है, चीजों को होते हुए टाइम लगता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आएगी आपके पास में, टेंशन नहीं लेना, सन की तरह ब्राइटनेस बिखेरेंगे आप अपने। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड शफल करते हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मतलब काम ऐसे रुका पड़ा है, क्या करियर में क्या इश्यूज चल रहे हैं आपके। ठीक है, क्या क्या मसले हैं, क्या दिक्कतें हैं, देखते हैं। चलिए, ओके, हमारे पास है यहाँ लवर्स, ओके, और फिर है हमारे पास हेरोमेंट। अब समझ आ गया ना मुझे। ठीक है, ज्यादातर लोगों की, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करा है ना, उन लोगों की लाइफ में ना प्यार मोहब्बत को लेकर के बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ओके, तो काफी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि आप अपनी लव लाइफ से जो है बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। सबसे पहले तो आप कार्ड देखो, ये कितना सुंदर है। है ना, बहुत सुंदर है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन से अभी अलहदा हैं, बहुत दूर हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं, कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से आप इस हेरोफेंट की जो है एनर्जी के अंदर चले गए हैं, किसी से कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, बस चुपचाप बैठे हुए हैं, ये दिक्कत है यहाँ पर। ओके, और इसीलिए आपका करियर पे भी फोकस नहीं है, फोकस बिल्कुल नहीं है, इंतजार कर रहे हैं आप, या तो आपका पार्टनर आ जाए या फिर ये ऑप्शन आ जाए आपके पास, लेकिन इंतजार चल रहा है पाइल नंबर 1 फॉर श्योर। अब देख लेते हैं कि ये चीज कब तक सही होगी और किस तरीके से सही होगी। ठीक है, चलिए कार्टोमेंसी की हेल्प से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। वैसे मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग देखने वाले हैं, बट जो भी देखने वाले हैं मैंने उनके लिए ही बनाया है ये, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो परेशान हो रहे थे अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के। अच्छा, पाइल नंबर 1 मुझे एक चीज और लग रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक पीरियड आपका जो फाइनेंशियल जो होती है ना अपॉर्चुनिटीज, वो भी आपको नहीं मिल पा रही, फाइनेंसेस बहुत डाउन चले गए पाइल नंबर 1। ओके, हाँ मैंने बोला ही था फाइनेंसेस बहुत ज्यादा डाउन चले गए, प्लीज यूनिवर्स बुआ एंजल्स पिताजी गाइड मी प्लीज। ओके, हमारे पास है मैरिज प्रॉब्लम एंड मिस फॉर्चून। सी, मैंने बोला था ना आपको कि शादी का प्यार का मसला है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ सही नहीं हो सकता है मेरी जिंदगी में, सब खराब ही है, खराब ही रहेगा, और उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर के ऊपर, ये दिक्कत है यहाँ पे। कब तक ठीक होगा, कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखो ठीक तो जरूर होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। ठीक है, ठीक तो होंगी चीजें, फॉर श्योर ठीक होंगी ये चीजें, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे क्यूट एंजल्स। आप पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं? मुझे बताइए प्लीज। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होंगे तो चीजें नहीं सही होंगी, नहीं सही होंगी, फॉर श्योर नहीं सही होंगी। ठीक है, कुछ निकालती हूँ मैं यहाँ पे कार्ड्स, एंजलिक गाइडेंस देखते हैं कब सही होगा, कैसे क्या सही होगा, सब कुछ देखेंगे आज हम। मैं ना ऐसे करके रख देती हूँ ताकि उड़े नहीं। ओके, फैन ऑन किया हुआ है मैंने, जस्ट अ मिनट। ये कार्ड आने को चाह रहा है और ये वाला भी, ठीक है,
देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर इट्स अप टू यू। तो चीज़ें कब सही होंगी अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल ऑन। फिर है हमारे पास यहाँ पर नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके मुताबिक होंगी। फिर है हमारे पास देयर समथिंग बेटर, अगर चीज़ें अभी सही नहीं हो रही हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई अच्छी चीज़ है। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं देखो सिंपली आपको बताऊं, टेंशन नहीं लेनी है। और चीज़ें कब तक सही होंगी इसके लिए भी हम कार्ड निकाल लेते हैं, चीज़ें कब तक सही होगी इसके लिए भी हम कार्ड निकालते हैं। रुको, एक कार्ड और एक कार्ड, ये बात स्टार कार्ड, और फिर हमारे पास एम्परर। हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और स्टबन हो गए हैं सिचुएशंस को देख देख के, झेल झेल के, आपको समझ में ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो गए ना कि घर वालों से भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना मेरा लव लाइफ ठीक चल रहा है ना मेरा करियर ठीक चल रहा है, हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे। दूसरी मैं आपको बात बता दूँ कि कब तक चीज़ें सही होंगी, तो देखो ये डिवाइन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं फिर भी बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है फोर मंथ्स और फोर वीक्स, यानी कि एक महीने और चार महीने के भीतर अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है, चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन ये पूरा का पूरा ना डिवाइन के ऊपर निर्भर करता है। देखो स्टार कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है, हम नहीं कह सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बोलूं तो हो सकता है फोर वीक्स, ठीक है। प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू, तो जिन लोगों ने द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यानी कि ये वाला प्यारा सा कार्ड चूज किया था ना, चलिए देख लेते हैं आपके करियर के अंदर क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव है, क्या करने वाले हैं, किस तरीके का क्या हो रहा है, मतलब करियर के अंदर क्या अस्त व्यस्त चल रहा है सब कुछ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे, चलिए देख ही लेते हैं उसके बाद ही बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो इसको कार्ड को ना मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख ही रहा होगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी चूज किया उनके लिए ये रीडिंग। ओके, लेट मी शफल सम कार्ड्स हियर। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पे, रुकिए बस, खुद ही आ गया बेचारा। चलिए शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हाई प्रिस्टिस इन रिवर्स, तो हो सकता है अब ना आप बस बहुत हो गया ऐसी वाली फीलिंग में है कि अब चाहे जो होगा बस देखा जाएगा, मुझे नहीं पता जो हो रहा है होने दो। यहाँ पे हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स, बिखरे दिल के। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ओके, देन है हमारे पास एट ऑफ पेनिकल्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर वन में भी आया था ये, पता है आपको। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे मसला सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही नहीं है, मोहब्बत का भी है भाई, ठीक है। और कैसे है, इस पर्सन ने ना आपको पैसे के लिए छोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, गोल्ड डिगर हो सकता है ये पर्सन, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि जो सच है वो मैं आपको बताऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शुगर कोटेड बातें, ठीक है, चाहे कोई मेरी बुराई करे कमेंट में, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, जो है सो है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के साथ आप थे, वो पर्सन ना पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और इसीलिए आपको छोड़कर गए हैं। उनके मन में हमेशा ये लगा रहता है पैसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए, एक मतलब शान शौकत होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के ना आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, और अब आपने कहा कि भैया जी तुम जाओ, बस बहुत हो गया, अब नहीं देखना है हमें, बस जब प्यार ही नहीं है, ठीक है, जब प्यार ही नहीं, आपके मन में ये हो सकता है कि ये बात आई हो कि जब प्यार ही नहीं है, पैसा 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 करता रहता है कि भाई ठीक है अब तुम कमाओ जाओ हमें बख्शो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेकिन आप बहुत ज्यादा हर्टेड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हर्टेड हैं आप,
क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा हर्टेड है. आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता रहता है कि क्या जिंदगी के अंदर पैसा ही सब कुछ है. और अब आपने, जैसा कि मैंने बोला, कि अब आपने ना ऐसे सोचना शुरू कर दिया है कि भैया जी जो हो रहा है जिंदगी में होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आपकी वो लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो, ठीक है. लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और इस मेहनत का फल मिलता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है. देखिए ये पर्सन कितनी मेहनत कर रहा है अपने पेनिकल को बनाने के लिए, सी देखिए, ठीक है. तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि बहुत जल्द आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिलने वाली है. एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है. और मैं जोडियक साइन नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि काफी लोग परेशान हो जाते हैं, उनका नहीं आता है. तो मैं काफी बार समझा चुकी हूँ बट स्टिल कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पे जोडियक्स नहीं बता रही हूँ. ओके, लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स. क्या दिक्कत है, क्या मसला है, वो मैंने आपको बता दिया है. अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से होगा. हाँ, अचीवमेंट्स एंड डिसलॉयल प्रॉमिस ब्रेक, वही चीज आ गई ना जो मैंने आपको बोला था. आपका पर्सन जो है आपको इसलिए उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि इसको तो करियर की नहीं पड़ी है, इसको तो हर वक्त बस प्यार 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 प्यार. और उनको ऐसा लगता होगा कि भाई आपको हर वक्त प्यार चाहिए और वो आपको ये सब प्यार व्यार नहीं दे सकते हैं. वो आपको सोचते होंगे कि भाई ये तो प्यार के भूखे हैं और हम पैसे के, ठीक है. मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे. दूसरी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हर वक्त ना ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉमिसेस तोड़ता हो. हमेशा आपके साथ में इस तरीके का एटीट्यूड पेश आते होंगे कि बस ठीक है यार, जो है सो है, यही है. अब मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है. तो अब आपने क्या ठानी है ना, आपने ये ठानी है कि इसने इतना पैसा पैसा किया है ना, इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा के मैंने नहीं दिखाया, तो मेरा नाम ये नहीं है, ठीक है. मैं पहले ही बता रही हूँ, काफी कम लोगों से रेजोनेट होने वाली है ये पाइल, लेकिन जिन लोगों से होगी ना पक्का देख लीजिएगा. कुछ लोगों से तो जरूर होगी लेकिन कम लोगों से होगी. अब हम लोग देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कि इस चीज का आउटकम क्या निकलने वाला है, ठीक है. आउटकम जरूर जानेंगे हम. With this my beautiful deck, I'm just, you know, मुझे बहुत ज्यादा proud है Indian होने पे. देखिए Indian, ये है Indian Sacred Tarot Deck और इसकी paintings देखिए आप कितनी खूबसूरत है, seriously. Okay. तो हमारे पास है यहाँ पे the world, wow, see, ठीक है. और फिर है हमारे पास द लवर्स, देख लीजिए वही कार्ड आ गया जो पाइल नंबर वन के अंदर आया था. अगर आप चाहें तो पाइल नंबर वन भी चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है. तो यहाँ पर वही चीज आ गई जो मैंने बोली थी कि प्यार का मसला है, बहुत ज्यादा परेशानियों भरा मसला है, इसी वजह से आपने ना इस पर्सन को छोड़ दिया कि जाओ तुम पैसा पैसा करो, करते रहो पैसा पैसा. और अब वो चीज अंत होने वाली है. मुझे ऐसा लग रहा है आप अचीव करने वाले हैं अपने करियर के अंदर कुछ ऐसा जो कि उनकी आंखों को इतना चुभेगा ना कि बस वो परेशान हो जाएंगे. और देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी जल्द जिन्होंने ये पाइल नंबर टू यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज किया था ना, काफी जल्द आपकी लाइफ के अंदर जो आपका ये पहिया है ना करियर का, ये घूमेगा और बहुत जल्द आपको ना सफलता मिलने वाली है. मैं फिर बता रही हूँ, ये प्यार व्यार के झंझट से निकलेंगे आप और अपना एक ऐसा करियर बनाएंगे जहां पे आप जैसा पर्सन डिजर्व करते हैं ना वैसा पर्सन आपको मिलेगा. अब मैं कुछ एंजल गाइडेंस बताऊंगी आपको. चलिए देख लेते हैं, कुछ एंजल्स के गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं. ओके, एंड वन मोर हियर एंड वन मोर हियर. ओके, चलिए देख लीजिए. यहाँ पे हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि हाँ आप कर सकते हैं. फिर है हमारे पास सिचुएशन विल इम्प्रूव, हाँ तो सिचुएशंस बहुत. तो माय डियर एंजल्स, आपको रहना है पॉजिटिव,
ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है. देखिए यहाँ पे है देयर समथिंग बेटर. तो अगर कोई चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, अगर वो पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो. आप बेस्ट डिजर्व करते हो, और बेस्ट डिजर्व करने के लिए हमें क्या बनना पड़ता है, बेस्ट बनना पड़ता है. क्योंकि जो हम होंगे वही हम डिजर्व करेंगे ना, वही हम अट्रैक्ट करेंगे, वही हम पाएंगे. तो बस बेस्ट बनने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, फॉर श्योर किस्मत बदलने वाली है. तो पाइल नंबर टू, ये थी आप लोगों की रीडिंग. मैं तो यहाँ पे करियर की रीडिंग करना चाह रही थी एक्चुअली, थोड़ी थोड़ी लव की रीडिंग भी हो गई. चलिए तो पाइल नंबर टू ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार. ब्लेस यू, बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर थ्री. तो जिन लोगों ने ये वर्ल्ड का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आती है, करियर में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है. आप लोगों को मैं बता दूं, पाइल नंबर वन और टू के अंदर मिक्सी वाइब्रेशंस थी. ठीक है, वहां पे लव मैटर की वजह से ना वो लोग करियर में फोकस नहीं कर पा रहे. होप सो आप लोगों के लिए ये ना आए. चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग. सबसे पहले मैं टैरेट में से देखूंगी क्या आता है आप लोगों के लिए. तो मैं आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ, तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आप ऐसे सामने से शफल करने वाले वीडियो ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर पहले से मैं शफल करके रखूँ वो. ओके, मैं इस कार्ड को ना यहाँ कर देती हूँ. जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है. ओके, हाँ जी, चलो फाइनली हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. आपके मन में एक चीज आती है, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ कि मेरे मन में क्या आया. फिर मैं बताऊंगी आपके मन में क्या आता है. मेरे मन में इन कार्ड्स को देख के सबसे पहली चीज ये आई कि आपके मन में ये आता है कि आप बस भाग जाएं सिचुएशन से. कुछ भी ऐसा करें कि आप बस भाग जाएं सिचुएशन से, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉर श्योर. आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा या रहूंगी तो सब चीजें सही हो जाएंगी. ठीक है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है नेगेटिविटी की. ठीक है, पॉजिटिव रहकर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीजों को. देखिए मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन दिक्कत आ जाती है नेगेटिविटी. बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं आप. अब कई लोग बोलेंगे नहीं दी, काफी टाइम से हम लोग तो ना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो माय डियर क्यूट से एंजल्स, मैं बताती हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है. दिक्कत आ रही है कि आप पॉजिटिव तो रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप डाउट्स क्रिएट करते हैं, और यहीं पे ही है सबसे बड़ा ब्लॉकेज. देखें यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है. आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इमेच्योर है. ठीक है, पेज का कार्ड है, यहाँ पे बहुत इमेच्योर है. आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने करियर के लेके, लेकिन कर नहीं पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि डाउट्स क्रिएट होते हैं. और आपको पता है ना एक चीज की, जब डाउट क्रिएट होने लगती है ना तो चीजें खराब होने लगती हैं. क्यों? क्योंकि डाउट क्रिएट हुआ, नेगेटिविटी आई, नेगेटिविटी आई तो सब कुछ खराब, सब कुछ खराब. ठीक है, कई बार आपको ना ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं कहीं ना भाग जाऊं यहां से. बस देखो, कहीं ना बस भाग जाऊं मैं यहां से. और कार्ड्स देखते हैं क्या आता है आपके लिए. एक मिनट, हमारे पास है डेथ, एंड देन है हमारे पास द मून. हाँ, तो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव हो गए हैं आप. अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते हैं कि मन में क्या चल रहा है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे जो चल रही है, जो मुझे दिख रही है, आप ना अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी क्या चल रहा है मेरे मन में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप. और ये चीज बहुत गलत है. आपको पता है जब हम किसी से अपना दुख शेयर करते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है हमारा, लेकिन सही इंसान से, उस इंसान से नहीं जो आपको और बोले कि हाँ अरे तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी. ऐसे इंसान से नहीं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से आप लोग शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स से नहीं अपने फ्रेंड से आप लोग शेयर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से जरूर शेयर करें जो आपके उस दुख का उपाय बताए, ना कि आपको सिंपथी देके और डाउन फील कराए. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ
यहाँ पे दिक्कत मैंने आपको बता दी है क्या है. आप करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि डाउट्स क्रिएट करते हैं आप. फिर है हमारे पास डेथ का कार्ड. तो ये काफ़ी लोग इस कार्ड को देख के ना डर जाते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये सन की तरह. ये कार्ड बताता है कि जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स है ना उनका एंड होने वाला है, खात्मा होने वाला है जो भी चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है. और करियर के लिए अगर डेथ का कार्ड आ जाए तो मोस्ट 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 लकीएस्ट माना जाता है. क्यों? क्योंकि अगर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ठीक है. और फिर यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्स का भी कार्ड आया था, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये पर्सन भागा चला जा रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी जल्द ऐसा टाइम आने वाला है जब आप बिजी हो जाओगे और जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्द आपके पास आएगी, ठीक है. बहुत जल्द आपके पास आएगी मुझे ऐसा लग रहा है. लेकिन आपको पॉजिटिव रहकर के चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा. अगर आप डाउन होकर के नेगेटिव होकर डाउट्स क्रिएट करोगे तो फिर फॉर श्योर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. अब देख लेते हैं कुछ कैसा क्या होने वाला है, क्या दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत हो सकती है. एक तो आपकी डाउट्स की दिक्कत है, एक नेगेटिविटी की दिक्कत है, दूसरा पेंडेमिक पीरियड भी है, थोड़ी स्टक हो गई है जिंदगियां, है ना. ओके, देख लेते हैं यहाँ पे इज एंजल्स यूनिवर्स हुआ पिताजी. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, सबसे पहले हमारे पास आया टिनी इम्प्रूवमेंट्स, और फिर हमारे पास आया है वाव सी एस ऑफ लव. तो हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होंगी और अगर उन इम्प्रूवमेंट्स को देख करके आप पॉजिटिव हो गए ना तो फिर ये चीज होते देर नहीं लगेगी, ठीक है. परफेक्ट फ्यूचर, लवेबल फ्यूचर, जैसा आप चाहते हैं वैसा. तो प्लीज पॉजिटिव रहना शुरू कर दें. कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए एंजलिक आंसर्स भी निकालूंगी तो हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है. ओके, देयर वी हैव जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ना कार्ड्स को संभाल के रख देती हूँ. ओके, सो वी हैव सक्सेस. सी, मैंने बोला ना आपको कि ये जो सिचुएशन है सब खत्म होने वाली है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी. फिर है हमारे पास नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको यही कहा जा रहा है यहाँ पे. और फिर है हमारे पास इन अ नियर फ्यूचर, मैंने बोला था ना आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, इन अ नियर फ्यूचर. सी, देख सकते हैं आप लोग. तो टेंशन मत लीजिए प्लीज डियर, टेंशन मत लीजिए. टेंशन लेंगे ना तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी. तो यही थी आप लोगों की रीडिंग, होप्स आप लोगों को पसंद आई होगी. और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज 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 पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है. लव यू बहुत सारा वाला, बाय.